बार ताली होगा अभी के लिए। मैं बेसिकली पोएम्स नहीं, मैं शेर लिखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको मैं लिखता हूँ, तो मैं उसे पोएम नहीं बोलूँगा। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने अपने लिए एक शेर लिखा था जिससे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। यूँ जिए जा रहे हैं बेकार ही हम, यूँ जिए जा रहे हैं गम किसी और का साथ उसके पिए जा रहे हैं। बेकार ही हम यूं जिए जा रहे हैं गम किसी और का साथ उसके पिए जा रहे हैं। और कोई नहीं देता साथ काम होने के बाद, और कोई नहीं देता साथ काम होने के बाद, हम ही तो पागल हैं भरोसा अब भी सभी पे किए जा रहे हैं। हम अगर बेसिक बात करूं तो हम लोगों की लाइफ के अंदर एक वो हमारा मेंटर जरूर होता है जिसने हमें उस गलत से एक मुकाम से जहाँ पे हम बहुत गलतियाँ कर रहे थे ना, वहाँ से उठाकर खड़ा किया होता है। और ये बात मैं मेरे दिल से मेरे टीचर के लिए बोलना चाहूँगा। वो आया उसने मुझे जहन्नुम से निकाल कर खड़ा किया। हमने उसके इस एहसान का बदला हमारी आखिरी सांस तक अदा किया। माना मैं गलत हूँ मेरे अंदर शैतान बसता है, लेकिन तेरे उस दूसरे चेहरे को देख ये शैतान भी तुझ पर हंसता है। चलो कि अपनी नई जात करते हैं। आओ ना यार, अपनी परछाई से बात करते हैं। मैंने उस मोमेंट में लिखा था कि रूह से कुछ यूं लड़ गई, रोकी थी जो बात बरसों, पता नहीं वो आगे कैसे बढ़ गई। लगाव नहीं है मुझे कि धुएं में तुझे खोजने की जुस्तजू में लगा हूं, और धुएं में तेरी सूरत नजर आई थी और ये बात मुझे सुबह मेरी जली उंगलियों ने बताई थी। क्या बात कि उम्र अठारह हुई है मेरी, मुझे अभी समझदार मत समझो, अभी मुझे और खेलना है, अभी से तो मुझे जिम्मेदार मत समझो। क्या बात। खुददारी से मेरी मैं कब तक चल पाऊंगा। सच मुझे एक दिन मारा जरूर जाऊंगा। मिस करते हैं। तो मैंने उस पे लिखा था शरारत वही नींद से जगा गई, याद तेरी खुशबू की अचानक से आ गई, तेरी आँखों की वो नमी हमें मंजूर नहीं, और उस नमी को सुखाने के वास्ते हमें बनावटी हंसी आ गई। क्या बात। हम लोग हमारे वो प्यार करने वाले इंसान से बहुत दूर होते हैं और उसकी इतनी याद आती है हमें कि हम रात को सो भी नहीं पाते। ये मेरे साथ हो रहा है, मैं पिछले 2 महीने से घर से दूर हूँ तो मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने वहाँ लिखा था आजकल सिराना मुझे कुछ यूँ चिढ़ा रहा है, कान में तेरा नाम फुसफुसा कर मेरी नींदें उड़ा रहा है। एक कोशिश की थी मैंने नज्म लिखने की, या नज्म पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। चाय और प्यार को मैंने किस तरह से मिलाने की कोशिश की, आप लोगों का साथ मिल जाए तो मतलब मैं मानूंगा कि मेरी जो कोशिश थी वो मुकम्मल हो गई। यहाँ पर कि मैंने लिखा है गरम किया पानी फिर डाली उसमें चाय, ध्यान से देखा तेरी सूरत नजर आई, फिर डाला उसमें दूध,
उसमें दूध बनाना चाहा तेरे जिस्म को पीछे डाला, उसमें दूध बनाना चाहा तेरे जिस्म को कुछ ही। हम लोग अगर देखे ध्यान से तो हमारी चमड़ी का कलर चाय के कलर से बहुत मिलता है। मैंने वहीं पे लिखा था, फिर डाला उसमें दूध और बनाना चाहा तेरे जिस्म को कुछ ही, फिर वो तेरी त्वचा का रंग मुझे नजर आया, फिर वो तेरी त्वचा का रंग मुझे नजर आया, तब जाके इस दिल को थोड़ा सुकून आया, तब जाके इस दिल को थोड़ा सुकून आया। फिर जब उस चाय की चुस्की को मैंने उसी गर्माहट के साथ, फिर जब उस चाय की चुस्की में मैंने उसी गर्माहट को पाया, और इसके अंदर अगली लाइन के अंदर एक शब्द मैंने यूज किया है बोसा, उसका मतलब होता है किस। फिर जब चाय की उसी चुस्की में मैंने उसी गर्माहट को पाया, बस उसी वक्त हमें मुझे हमारा पहला बोसा याद आया।